कभी कंगना रनौत तो कभी अर्नब गोस्वामी से अपना हिसाब किताब करने में लगी उद्धव ठाकरे की सरकार को सोनिया गांधी ने चिट्ठी लिखकर याद दिलाया कि उन्हें कौन कौन से काम करने थे जिसे अब तक नहीं किया गया। सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे से कहा, प्रदेश में अनुसूचित जाति और जनजाति के समुदायों के विकास के लिए आबादी के अनुपात में बजट का आवंटन करने समेत 4 सूत्रीय पहल की जाए। कांग्रेस के महाराष्ट्र प्रभारी एच के पाटिल ने इस बात की पूरी जानकारी दी। इसके बाद उद्धव ठाकरे के बचाव में तुरंत संजय राउत सामने आए और कहा, सोनिया गांधी की चिट्ठी कोई दबाव की राजनीति नहीं है, बल्कि जो बातें उन्होंने कही हैं, वही अच्छी बातें हैं। एच के पाटिल ने कहा कि कांग्रेस दलित वंचित और पिछड़े वर्ग के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। महाराष्ट्र में गठबंधन सरकार में शामिल होने के कारण हम इन वर्गों के प्रति अपनी जिम्मेदारी के लिए ज्यादा सजग हैं। इन समुदाय के प्रबुद्ध लोगों का हाल ही में एक सम्मेलन भी आयोजित किया गया था। पाटिल का कहना है कि सोनिया ने ठाकरे से जिस 4 सूत्री पहल करने के लिए कहा है उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विकास के लिए उनकी आबादी के अनुपात में बजट आवंटित करने का सुझाव प्रमुख है। सोनिया ने ठाकरे से ये भी कहा कि सरकारी स्वामित्व वाले उपक्रमों के सरकारी ठेकों और परियोजनाओं में SC ST समुदाय के लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था शुरू की जाए। इसके साथ ही विभिन्न विभागों में इन समुदायों के लिए आरक्षित पदों में रिक्तियों को भरा जाए। सोनिया गांधी की चिट्ठी पर टिप्पणी करते हुए शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने कहा कि ये अच्छी बात है। संजय राउत ने कहा, यदि कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा सामने आया है जो महाराष्ट्र और राज्य के लोगों के हित में है तो इसका स्वागत किया जाना चाहिए, ये कोई दबाव की राजनीति नहीं है। संजय राउत ने कहा कि सोनिया गांधी UPA की अध्यक्ष हैं। सोनिया गांधी और शरद पवार की महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। महाविकास अघाड़ी की सरकार जब बनी तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम तैयार किया गया था। महागठबंधन सरकार न्यूनतम साझा कार्यक्रम पर आधारित है, हालांकि कोरोना वायरस के कारण न्यूनतम साझा कार्यक्रम का काम लंबित है। कोरोना के कारण सरकार पर बहुत अधिक काम का बोझ बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के साथ गठबंधन का कोई दबाव नहीं। सोनिया गांधी ने महाराष्ट्र के CM उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा था और याद दिलाया था कि महाराष्ट्र में किस आधार पर सरकार बनाई गई थी। महाराष्ट्र में 3 पार्टियां शिवसेना NCP और कांग्रेस के गठबंधन में सरकार बनी। पत्र में सोनिया गांधी ने उद्धव ठाकरे को दलितों और आदिवासियों के लिए किए गए वादों को याद दिलाया। उन्होंने दलितों और आदिवासियों के संबंधित योजनाओं और बजटीय आवंटन को लेकर मुद्दों को भी उठाया। HK पाटिल ने कहा कि SC ST वर्गों के युवाओं के लिए शिक्षा, तकनीकी प्रशिक्षण और कौशल के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के साथ छात्रवृत्ति योजनाओं एवं छात्रावास सुविधाओं का विस्तार किया जाए। पाटिल ने यह भी बताया कि मुंबई क्षेत्रीय कांग्रेस कमेटी के नए अध्यक्ष के चयन की प्रक्रिया चल रही है और अगले कुछ दिनों में इस पर फैसला हो जाएगा।